बैक टू माई YouTube चैनल आयशा स्टार। कैसे हो सारे? और मैं जब भी व्लॉग स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले तो जैक का शोर स्टार्ट हो जाता है और जैक ने देख लिया है मम्मा को। और आज मम्मा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और दो दिन से व्लॉग भी कुछ भी नहीं शूट किया था, तो सोचा कि चलो आज व्लॉग स्टार्ट कर दूँ। पर आज तो मुझे आ गई थी विक्की भाई की कॉल और मैं उनसे बात कर रही थी और मम्मा भी अभी घर पहुंची है और ड्रिप्स वगैरह लगी हैं, इंजेक्शन्स लगे हैं, तबीयत सही नहीं है। मम्मा से मिलवाती हूँ अभी आप लोगों को। और यहाँ मम्मा ने बोला था कि चाय बना, पर चाय मीठी होनी चाहिए, फीकी चाय मैंने नहीं पीनी। और सुबह से मम्मा ने भी कुछ नहीं खाया, मैंने भी कुछ नहीं खाया। मेरी तबीयत, मेरा भी दिल बिल्कुल नहीं था कि मैं कुछ खाऊँ और बस तब से ही ऐसे ही चलते जा रही हूँ। और अब मम्मा कुछ खाएगी तो थोड़ा सा सुकून आ जाएगा मुझे भी। और बाबा अंदर है, दीदी भी है, तो सबके लिए चाय रेडी हो चुकी है। और अब बस रूम में चलती हूँ, फिर मिलते हैं। और बाकी जो कुछ भी करूँगी रूटीन आप लोगों के साथ होगी, साथ बने रहना, स्टिल वॉच करना और ख़ास तौर पे मम्मा के लिए सब दुआ करना, मम्मा जल्दी से ठीक हो जाए। कल बहुत अहम लेडीज़ की इबादत भी है और सारी इन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ की भी है, तो इसलिए भी हम लोग थोड़ा सा हो रहे थे। और कल कहीं जाना भी था मम्मा को और उठते सहार ही बात कर रही, और मम्मा ने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे ना नाफ हो रही है कि मुझे नाफ है। तो मम्मा ने जैसे बोला, मैंने मम्मा को मतलब वो जैसे निकालते हैं नाफ, मैंने उस तरह से निकाल लिया आले के साथ। पर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मम्मा की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती गई है, तो चलो रूम में चलते हैं, फिर बात करते हैं, मिलते हैं रूम में जाके। ये है मम्मा और मम्मा की कुछ इस तरह की कंडीशन, और बस अब थोड़ा सा मम्मा खा ले फिर उसके बाद मेडिसिन देखते हैं। यहाँ आहिल बैठा है, अलीज़ा सोई हुई है, एजल यहाँ है और ये गोला गंडा खा रही है। तो यहाँ पी रहे हैं सब चाय और मम्मा ने खा लिया है और साथ आहिल ने खाया बना के। और ये सोई हुई थी, सोई उठ गई है और बस सोती है। क्या हुआ है? सो जा, कोई नहीं करेगा शोर। हाँ, अब मम्मा की करने लगी है भैया जी शुगर चेक, क्योंकि मम्मा ने वहाँ नहीं करवाई तो अब दीदी करेगी और मेरे को नहीं आती शुगर चेक करनी, बाकी सब सेट है। ये आप नहीं चलाओगे? पिछली दफ़ा भी आपने सारा ख़राब कर दिया था, मम्मा खुद ही करेगी। एक काम क्यों नहीं कर रही ना? हाइये तो ये दोनों मेरे साथ नहाई हैं और इन दोनों ने अभी तक काम नहीं की, दोनों जंगली हैं, जंगली बिल्लियाँ। कौम कंगी को कहते हैं, कौम क्या होता है? पढ़ने स्टार्ट हो गई है, ये नहीं पता चल रहा की कर देने तो अभी तक आया ही नहीं है तेरी बुक्स में नाम। सो मम्मा अब शोर की वजह से बस लगी हुई है इसी तरह से कंटिन्यूसली, क्योंकि ये सारा चिंगड़ पिंगड़ जो है ना ये बस शोर करने पर मजबूर करता है। तो अभी ये सारी सेटिंग कर रही है और अब करने लगी है इस तरह से। बुग्या छोड़ दे, उसे ऑन किया नहीं है। और इस बीमारी ने पकड़ लिया था ना, इस बीमारी ने पकड़ लिया था हमारी सारी बीमारियाँ हमारे पास। और यहाँ शुगर चेक हो रही है, यहाँ पता चल रहा कि कितनी शुगर है और मुझे कंटिन्यूसली मैसेज अब आ रहे हैं क्योंकि स्टेटस लगा। और 251 शुगर मम्मा की हाई है, मम्मा की शुगर भी है। तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल सी तो फीवर की ना आ रहा सी? बड़ी केयर की,
बस मम्मा ने आप लोगों को बता दिया है कि क्या क्या कंडीशन थी, और इससे ज़्यादा कंडीशन तो उस टाइम थी। अंडर आर्म्स तो बस मम्मा का शुक्र है कि मम्मा पहले से बेटर है, थोड़ा खर्चा कर लिया है, और सब यही कह रहे थे कि इतना कमाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कि अपनी जान पे नहीं लगाना। तो मम्मा विक्की के पास नहीं गई थी, और मम्मा यहाँ इमरजेंसी में गई थी, और इमरजेंसी वाला ने मम्मा ने बोला कि बहुत अच्छी टेक केयर की है, जिसकी वजह से मम्मा बहुत बेटर है। और मम्मा अभी वही बता रहे हैं कि उन्होंने अंडर आर्म्स में भी कोई चीज़ रखी थी, जिसकी वजह से मेरा फीवर जो है ना फौरन से कंट्रोल में आ गया है, और वरना फीवर बहुत ज़्यादा हाई था, और बार बार वो चेक कर रहे थे, बीपी बार बार चेक हो रहा था। और यहाँ ये जो है ना बस तंग करने वाली मशीन हमारी हमारे पास, तो आप साथ बने रहना, सिलो आज करना, और जो भी रूटीन होगी तो दिखाती रहूँगी। और ये यहाँ पे पता नहीं क्या कर रही है, क्या कर रही थी, करना दो दंदा वाली दंद बोड़ी लीजा, इसके दांत टूट गया। आपने बिस्किट्स खा लिए? हाय नहीं करना था व्लॉग में, हाय तो कर दे व्लॉग में, नहीं करना। और यहाँ इसकी बात सुन लो ज़रा, हाय मुझे अम्मी को हाई हुई है, वो देख अम्मी को हाई हुई है, बात समझ आ रही है, कमेंट्स बॉक्स में बता रहे हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। या नहीं वो कुछ नहीं कहना चाह रहा। तो चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद अब आप लोगों के साथ। सो अभी ये यहाँ पहुँचा है, और दुनिया मरती मर जाए पर ये बंदा सबसे एंड पे हमारे पास हाजिर होता है। सो इसलिए लेट आते हैं, इस प्राइवेट डॉक्टर ने अम्मी का खर्चा करवा दिया। कल जा रहा अब फार्म हाउस जा रहा ना। तो यहाँ आ गया ना हाल ना चाल, बस आंदे सारी इन्ना दस दे कि कितने चला वा मैं। और यहाँ पंजाब से खालू की भी कॉल आ गई मम्मा को। पंजाब में और अभी क्लिप्स आए हैं मेरे पास, दीदी ने मुझे पसंद किया, तो इसके बाद अब आप देखना बर्फबारी। आजा रिमझिम बारिश, आजा रिमझिम बारिश। आज बन रहा है हमारे घर बर्गर, और हमारे वही विनर लो, वाओ ठीक है नहीं। सो विक्की से बोला था कि चावल बना दे, और विक्की ने खिचड़ी बनाई तो है, पर
उसमें मतलब कच्चे चावल हैं और मम्मा के खाने वाली नहीं थी, तो अभी मैंने दोबारा से उसमें पानी ऐड किया है और उसे मतलब थोड़ा सा उस तरह का किया है जिस तरह इससे मम्मा खा सके, बिल्कुल सॉफ्ट। और मम्मा की तबीयत तो ठीक है नहीं, और मेरी भी अब वही कंडीशन हो रही है। और मेरी संडे वाले दिन ही तबीयत ख़राब हो चुकी थी और मैं इसीलिए उसके बाद व्लॉग ही नहीं कंटिन्यू कर पाई थी। कल भी नहीं बनाया, परसों भी नहीं बनाया था। संडे की रात को जो अपलोड किया वो भी पहले से मेरा बना हुआ व्लॉग था, ज़्यादा कुछ भी उसमें मैं इसीलिए नहीं कर पाई थी। तो ऐसी कंडीशन में अब फुल ऑन ना हालत ख़राब हुई है और कुछ भी ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा। और जैक अब शोर कर रहा है तो अब मम्मा दिन लगी है जैक को खाना। बस हमें हम दोनों को याद रखना है कि मैं और मम्मा जल्दी से ठीक हो जाएं और सब ठीक हो जाए जल्दी से। कल इबादत भी है जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया, तो अब भी लेडीज आई थी तो मम्मा को भी देखती हैं मुझे भी, और क्योंकि क्वायर में गीत वगैरह गाने होते हैं तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे भी हो रहा है कि मैं कल अगर मतलब मेरा पेट या मेरी बॉडी उस तरह से नहीं होगी तो मैं कल वर्शिप नहीं सही से कर पाऊँगी। और क्योंकि वर्शिप के टाइम पे सांस और पेट का मतलब होता है थोड़ा सा कि पेट बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए जिससे आपकी वर्शिप अच्छी हो सके और आप सही से गा सकें। तो उस लिहाज से मुझे अब अपने आप को थोड़ा लो फील हो रहा है कि मैं शायद पता नहीं कर पाऊँगी या नहीं, पर क्योंकि ये खुदावन की मर्ज़ी से होगा तो ज़रूर है कि मैं खुदावन की वर्शिप करूँगी और खुदावन के नाम को जलाल मिलेगा। बस इसलिए अब थोड़ा सा हो रही हूँ, मैं टेंशन ले रही हूँ। बाकी लड़कियों को बोला भी है कि आ जाओ आप लोग प्रैक्टिस कर लो एक दफ़ा। बाहर से टीम आ रही है मेहरान टाउन से, जो लेडीज़ आ रही हैं, तो इसलिए फिर मतलब उनके लिए सबको इकट्ठा होना है और एक अच्छी वर्शिप हो, एक अच्छा माहौल हो इबादत का, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस अब खाना खाते हैं, फिर उसके बाद मम्मा को मेडिसिन दूंगी। तो बस साथ में नाना स्टिल वॉच करना, ज़्यादा लाउडली भी नहीं बोला जा रहा और बोला तो जा नहीं रहा। बस कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ सब कुछ शेयरिंग कर सकूँ, तो आई होप कि ये सब कुछ आप लोगों को समझ आए, मेरे फील्स समझ आए, मेरी फैमिली की ये सारी सिचुएशन समझ आए। क्योंकि आकाश नहीं है, आकाश नहीं है, कृष्णा भी आ जाएगी बहुत जल्द। और कृष्णा भी परेशान हो गई थी, सपना ने कॉल किया, मतलब सब कॉल कर रहे हैं क्योंकि मम्मा की वजह से सभी टेंशन में आ जाते हैं। तो मम्मा एकदम से जब बीमार होती है तो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है, तो इसी वजह से बस मैं टेंशन ले रही थी। और बस खुदावंद जल्दी से मेरी माँ को ठीक कर दे। जो कुछ भी है माँ माँ ही होती है और माँ में जान होती है, अरे वो मेरी जान है। आज सुबह भी जब मैं और वो अकेले थे तो मूड बहुत ज़्यादा मेरा ऑफ हो गया था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ, पर मैं कोशिश कर रही थी बस अभी ठीक हो जाएगी, अभी ठीक हो जाएगी। मम्मा को भी नाफ का इशू था, नाफ का इशू मुझे भी था, और मुझे तो फुफ्फो निकालने नहीं देती, तो अम्मी की तो उठते सार मैंने नाफ निकाली थी। पर उसके बाद मम्मा की तबीयत ज़्यादा डाउन होती गई होती गई होती गई, फिर इतनी हो गई कि मम्मा को बस ये था कि मुझे डॉक्टर के पास ले कर जाया जाए। फिर ले गए और खुदावंद के शुक्र है कि 4 ड्रिप्स लगी। आप लोगों के सामने थी सारी सिचुएशन, मम्मा ने सब कुछ बताया भी आप लोगों को। तो बस फिर अभी मम्मा के लिए और अपने लिए खाना लेके आती हूँ, चेक करती हूँ चावलों को, तो मिलती हूँ ब्रेक के बाद। सो यहाँ आ गई हूँ मैं चावलों के पास और चूल्हा बंद कर दिया मैंने, और अब इसे दम से हटा कर देखते हैं। हाय गरम, हाँ कुछ इस तरह से है अब इसकी कंडीशन, जो कि मम्मा के खाने के लिए भी सही होंगे। और विक्की ने अचार भी डाला है इसके अंदर, और विक्की तो डिश कोई बनाए तो उसमें वो लज्जत ना डाले ये तो हो नहीं सकता। बीमार के लिए भी बनाएगा ना तो लज्जत वाला ही होगा जो भी होगा। चलो अब जल्दी से मम्मा को डाल के देती हूँ, फिर मम्मा को मेडिसिन देनी है मुझे।
व्लॉग पहले ही बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, और कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगी, बस इतना कहूँगी कि डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना और आने वाला व्लॉग भी वॉच करना, कि मैं नहीं जानती कि आने वाला व्लॉग किस मोटिव पे होगा, किस मकसद पे होगा या क्या कुछ होगा, पर जो कुछ भी होगा ज़रूर सपोर्ट करना। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू, और मुझे और मम्मा को दुआ में याद रखना। बाय बाय।